सो गाइज़ हम लोग आए हैं सालार जंग म्यूज़ियम। आज है हमारा डे फोर्थ इन हैदराबाद। ये देखिए हमारी टिकट्स आ गई है। 50 रुपीज़ है एडल्ट और 50 रुपीज़ है मोबाइल का। पर मोबाइल अगर आपको मोबाइल से फ़ोटोग्राफी वगैरह करना यूज़ करना है तो ये देखिए अंदर का मैं आपको सारा व्यू बताऊंगी कि म्यूज़ियम में क्या क्या है। ऑन 23 जुलाई 1963 सालार जंग म्यूजियम का कॉर्नर स्टोन रखा गया था श्री जवाहरलाल नेहरू के हाथों से। एंट्री करने के बाद हमने बैक साइड पे पाया है ये स्टॉल, ईरानी टी स्टॉल विद स्नैक्स, जहाँ पे हमें समोसा पैटिस चाय वगैरह सब मिली। और यहाँ पे देखिए इतनी लंबी लाइन में हमें खड़े होना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा बड़ी लाइन थी सालार जंग म्यूज़ियम के अंदर एंट्री करने की। और ये सब जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं म्यूज़ियम के अंदर, सालार जंग म्यूज़ियम के अंदर। ये देखिए एंट्रेंस, यहाँ पे अच्छी खासी सिक्योरिटी है। अब हम लोग जाएंगे अंदर। और ये है सालार जंग और ये म्यूजियम है सालार जंग का। एंट्री कर रहे हैं इंडियन ब्रॉन्ज गैलरी में। ये सब जो स्टैचूज है वो है 16th century के। सो दीज कलेक्शंस ऑफ 16th century। साल पहले के कपड़े, क्वालिटी ऑफ कपड़े देखिए आप, जो उस टाइम से अभी तक के 21st century तक के एज इट इज है। 19th century डैश क्लॉथ। के अंदर है फूड कोर्ट भी ग्राउंड फ्लोर पे, काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट है ये, बट हम लोग ने बाहर ही नाश्ता कर लिए हैं। नेक्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे है आइवरी रूम, सो लेट्स गो। सब बनाया गया है हाथी के दांत से, दीवान हो मेड इट। सी दिस सो ब्यूटीफुल। कितनी बारीकी से हुआ है काम, सब कुछ बनाया गया है हाथी के दांत से। हाउ ब्यूटीफुल इट इज, दिस इज सो अनबिलीवेबल कि हाथी के दांत से ये सब भी बन सकता है। ये कितना ब्यूटीफुल है, इट सीम्स टू बी लाइक इन ज्वेलरी बॉक्स इंग्लैंड बॉक्स। इतनी सफाई से बनाया गया ये देखिए आप, द वर्कर्स हैड सॉफ्ट टू देम द स्नेक्स। सालार जंग म्यूजियम में ये है क्लॉक, जिसको देखने के लिए बहुत से लोग लिटरली पेशेंस रख के रुकते एवरी आर एक अंदर से जो स्टैचू है वो आता है, और एवरी आर के हिसाब से 1 आवर 2 आवर घंटा बजा के अंदर जल्दी से भाग जाता है। ये देखिए ये है सेकेंड्स का काटा जो ये कर रहे हैं, यू कैन सी ये बजा रहे हैं। मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। और देखिए ये है सालार जंग म्यूज़ियम की क्लॉक, और इसे देखने के लिए बहुत से लोग बैठे हैं। ये देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे हम सब वेट कर रहे हैं 2 o'clock का घंटा देखने के लिए। वी ऑल आर वेटिंग। देखिए कितना रश है, लिटरली लोग वेट कर रहे हैं देखने के लिए। 3 minutes to go 2 minutes to go घंटे के इंतज़ार में हम सब लोग बैठे हैं। कितनी पब्लिक जमा हुई है देखिए, जस्ट टू सी। बट ये इतना इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है ना, और बहुत कंसंट्रेशन के साथ आपको देखना पड़ता है। ये देखिए रेड में जो खड़ा है वो घंटा 2 बार बजाएगा, बिकॉज इट्स 2 PM
तो दो बार घंटा बजाया जाएगा। और ये सब स्टिक्स जो है वो एनिमल और ह्यूमन स्काल से बनाया गया है और ये सब है गोल्ड एंड सिल्वर की। दिस इज पर्ल, पर्ल से बनाई गई है, ये बनाई गई है क्रिस्टल से। ये देखिए, आपको दिख सकता है पंजतन के नाम मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन, बीच में है अल्लाह का नाम, देन ऑल फाइव पंजतन। इस पे लिखा है ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़कार। ये सब स्वॉर्ड्स है किंग औरंगज़ेब की। And this is the bar of Shah Jahan, 19th century. और इस पे लिखी है नादे अली मौला अली की। आई होप आप लोगों को दिख रही है माशाल्लाह। मेटल वेयर गैलरी, ये सब है 20th century 19th century। मुगल एरा का ये सब है पेंडेंट्स, तावीज़, क्योंकि बना है जेड से जो कि एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होता है। ये सब बना गया है जेड से, पूरी की पूरी बनाई गई है रेहाल। दिस इज सो एक्सपेंसिव एट 21st century, इन 21st century ऑल दिस इज सो एक्सपेंसिव। मतलब ये म्यूजियम वाकई में अगर आप हैदराबाद आए तो बिना मिस आउट किए देख के जाएं। अगर आप ये म्यूज़ियम में नहीं आए, सालार जंग म्यूज़िक में नहीं आए, तो आपने बहुत सी चीज़ें मिस आउट कर दी है देखने के लिए। ये देखिए स्वॉर्ड, इसके हैंडल पे लगा है डायमंड्स। इजिप्शियन एंड सीरियन गैलरी, दिस इज़ फुल ऑफ फर्नीचर, सारे ही इजिप्शियन एंड सीरियन फर्नीचर्स है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली इनको बनाया गया है। 19th century एंड दिस इज कारपेट गैलरी। ओहो, व्हाट अ ब्यूटी। All this is 19th century. So next हम लोग आए इंडियन सिल्वर गैलरी। ये सब बनाया गया है सिल्वर से। All this is silver. Oh wow, so beautiful. Made of silver. Oh, manuscript. ये सब देखिए, ये है कुरान, gold, made of gold. ये देखिए, gold कुरान.
इस पे पूरा माशाल्लाह से कुरान लिखा हुआ है एंड दिस इज मिनी कुरान। गाइस सालारजंग म्यूजियम इतना बड़ा है कि हम लोग देखते देखते चीज़ें थक गए, बट थिंग्स आर नेवर एंडिंग। अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर को ही पूरा कवर नहीं कर पाए हैं, बट वी आर एंजॉइंग अ लॉट। सब चीज़ देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, नॉलेज मिल रही है। तो पे है टू ब्लॉक्स, ईस्टर्न ब्लॉक्स एंड वेस्टर्न ब्लॉक। हम लोग अभी जा रहे हैं ईस्टर्न ब्लॉक में, लेट्स सी वहाँ पे क्या क्या देखने मिलता है। दिस इज़ ईस्टर्न ब्लॉक म्यूजियम का इंफॉर्मेशन के कौन कौन से ब्लॉक्स में क्या क्या है। 18th सेंचुरी की क्रॉकरीज बनी हुई पोर्सलेन से, सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज। ऑल दिस इज 18th सेंचुरी क्रॉकरीज मेड ऑफ पोर्सलेन। फर्नीचर्स, डाइनिंग टेबल, मैनिक्योर बॉक्सेस, सैंड बॉक्स, नॉट लेस देन दैट। फर्स्ट फ्लोर पे आपको ये कैंटीन की फैसिलिटी भी दी गई है, यहाँ पे आप बैठ के आराम से गर्मा गर्म चाय वगैरह पी सकते हैं, स्नैक्स खा सकते हैं। वी आर एंटरिंग टू वेस्टर्न गैलरीज, यूरोपियन पेंटिंग गैलरी, यूरोपियन पेंटिंग गैलरी। See this painting, wooden double statue, आगे से मेल और पीछे से फीमेल। आप देख सकते हैं डबल वुडन स्टैच्यू, आगे से है मेल और पीछे से फीमेल। बहुत ज़्यादा अनोखा स्टैच्यू। ये है व्हील रेबेका, ये जो ऊपर से आपको लग रहा है कि एक ओढ़नी ओढ़ी जैसी है, बट ये बनाया है एक्चुअल में मार्बल से। बट ये कितना रियल लुक लग रहा है, जैसे कि एक स्टैच्यू ने दुपट्टा ओढ़ाया। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरती से इसको कार्व किया गया है, व्हील रेबेका। वी आर सो लकी कि इंडिया में ये है। टाइम टू एग्जिट सालारजंग, नाउ इट्स टाइम टू एग्जिट। हम लोग अंदर ऑल सब कुछ कवर कर चुके हैं इन सालारजंग म्यूजियम गाइस। अब ज़्यादा ह्यूज म्यूजियम है सालारजंग। सालारजंग म्यूजियम से एग्जिट करने के बाद हमें लग गई थी जोरों शोरों में भूख, तो हम यहाँ पे आए हैं फील इन सऊदीया में। यहाँ पे मिलता है कीमे का शौरमा, तो देखिए यहाँ पे डाल रहे हैं भर भर के कीमा। दिखने में बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग दिख रहा था, खाने में तो उससे भी ज़्यादा लजीज। और यहाँ पे हमने लिया था रुमाली रोटी में शौरमा, और दिखने में तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, खाने में उससे भी ज़्यादा लजीज और अजीर। अंदर उसमें इतना ज़्यादा सैलेड म्यूनीस कीमा लोडेड था कि बस ऐसे लग रहा था कि इसको नॉन स्टॉप खाते ही चले जाओ, बहुत ज़्यादा डिलीशियस। एक तो हमने रुमाली रोटी में लिया, और सेकंड हमने लिया था इसे ब्रेड में, जो कि एक हॉट डॉग टाइप का जो नान होता है, बन होता है, उसमें हमने लिया था। और ये देखिए ये भी कितना ज़्यादा लोडेड दिख रहा है, बहुत ज़्यादा यम्मी, खा के तो मज़ा ही आ गया। हैदराबाद में अगर बेस्ट शॉर्मा आपको खाना है ना गाइस, तो आप फील इन सऊदीया में ज़रूर जाके खाएं। ये जो एक सैलड इन्होंने इसमें डाला है म्यूनीस कीमा, बहुत ही ज़्यादा यम्मी डिलीशियस, सो डू ट्राई इट। नेक्स्ट हम उसके ही ऑपोजिट आए हैं बिरयानी शामी पराठा रेस्टोरेंट में, यहाँ पे हमने ट्राई करना है
शामी कबाब विथ रुमाली रोटी। यहाँ आप देखिए क्वांटिटी कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे शामी कबाब की प्रिपरेशन हो रही है। हम शाम के टाइम गए थे और यहाँ पे ये डिनर का इंतज़ाम कर रहे थे। ये देखिए कितने ज़्यादा शामी कबाब यहाँ पे हाफ कुक रखे हैं और इस तरीके से ये प्रेस करते हुए शामी कबाब बना रहे हैं रुमाली रोटी के साथ, सर्व करते हैं यम्मी डिलीशियस सी चटनी के साथ। नेक्स्ट हम आए हैं अल राबिया में। यहाँ की तारीफें बहुत ज़्यादा सुनी है तो हम यहाँ पे आए हैं यहाँ का चिकन रैप ट्राई करने के लिए। हमने ऑर्डर किया था चिकन रैप और प्रॉन्स रैप, तो खा के देखते हैं कैसा है। बहुत ज़्यादा डिलीशियस अल राबिया का चिकन रैप। खतरनाक। ये सब खाने के बाद कुछ मीठा तो बनता है, तो हमने अल राबिया का ये स्पेशल डेजर्ट ट्राई किया। दिखने में बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग दिख रहा था, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार। एक केक जैसा फ्लेवर था इसका, ऊपर का जो लेयर था काफ़ी क्रंची था, मज़ा ये सब खाने के है। बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था लुम्बिनी पार्क, जिसके लिए हमने हमारी गाड़ी पार्क की थी NTR गार्डन के पार्किंग के वहाँ पे, और रास्ते में ही हमें मिल गया है चिकन मोमोज। तो हमने सोचा ये क्यों मिस कर रहे हैं, हम इसे भी ट्राई कर लेते हैं। तो एक नॉर्मल चिकन मोमोज जैसा टेस्ट होता है, बिल्कुल एज इट इज रेड चटनी और मेयोनीज के साथ इसका टेस्ट था। तो हैदराबाद का मोमोज भी हमने ट्राई कर लिया। और ये जो आप देख रहे हैं ये है गवर्नर ऑफिस, बिल्कुल ताजमहल जैसा बनाया गया है। और नेक्स्ट है ये लाइब्रेरी, जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बड़ा सा स्टैच्यू बनाया गया है। अब हम पैदल पैदल जा रहे हैं लुम्बिनी पार्क। यहाँ हम पहुंच चुके हैं लुम्बिनी पार्क के अंदर और हम कर रहे हैं बोटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोटिंग के सारे ही चार्जेस डिस्प्ले पे दिख रहा है, काफी बड़ी लाइन थी बोटिंग के लिए। फाइनली गाइस हम लोग बैठ गए हैं बोट में टू विजिट द स्टैच्यू। ये हुसैन सागर लेक में रखा गया बड़ा सा बुद्धा का स्टैच्यू देखने के बाद हम हो रहे हैं रिटर्न। ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था कि बीचों बीच लेक के हमें देखने मिला था एक बड़ा सा बुद्धा का स्टैच्यू। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट डिनर करने के लिए सर्वी होटल में। तो गोइंग अपस्टेयर्स। सर्वे की निहारी और कुलचा। नली निहारी विद पाया।
पायल नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत डिलीशियस है। सर्री का निहारी पाया बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। एक ब्लैक पेपर, काली मिर्च का जो टेस्ट आ रहा है, इट्स वेरी फ्लेवरफुल एंड डिलीशियस। सर्वी का चिकन लॉलीपॉप और चिकन नूडल्स, चिकन लॉलीपॉप, एक्सट्रीमली क्रिस्पी एंड जूसी। सर्वी रेस्टोरेंट का खाना भी एक्सट्रीमली हाई लेवल के टेस्ट पे था, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया खा के। फ्रॉम नली निहारी टू चाइनीज, और यहाँ का हमने कुबानी का मीठा विद वैनिला आइसक्रीम भी ट्राई किया इन डेजर्ट, जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। तो गाइज, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। ये था हमारा हैदराबाद में वेल स्पेंड बहुत ही अच्छा डे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और फर्दर शेयर करें। स्टे ट्यून्ड।